क्लास में मैंने आपको करवाया था इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन और उसमें हमने फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन और असाइलेशन जो है कर ली थी, बिल्कुल कर ली थी। सुन लीजिए, तो आगे हम मैं इस टॉपिक से बाहर निकल रहा हूं एक दो लेक्चर्स के लिए, सुनते जाइए मेरी बात। यहां पर हम एक बड़े इंपॉर्टेंट केमिकल की बात करने जा रहे हैं, ठीक है? फिर मैं वापस आऊंगा इसी टॉपिक पर, एरोमेटिक कंपाउंड्स पर, लेकिन क्योंकि इस रिएजेंट की जो रिएक्शंस हैं वो काफी जरूरी हैं और आगे इस टॉपिक में यूज भी होनी है, तो हार्डली दो लेक्चर्स मैक्सिमम जो है हम इसकी बात करेंगे। हम बात करने जा रहे हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट की। अब सुने, व्हाट दिस ग्रिगनार्ड रिएजेंट इज। ग्रिगनार्ड रिएजेंट की बात करने से पहले मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दूं आपको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की। ये जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स होते हैं ये क्या होते हैं? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स वो होते हैं कंपाउंड्स विच कंटेन मेटल कार्बन बॉन्ड, ऐसे कंपाउंड जिनमें कि मेटल कार्बन बॉन्ड होते हैं, ठीक है? अब ऐसे कंपाउंड्स जैसे इसमें आ गए, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स, जिनका की फॉर्मूला होगा कुछ इस तरह से, जैसे R2ZN, मतलब जैसे डाइमिथाइल जिंक, है ना, इस तरीके से। तो इसमें जो है कार्बन और जिंक का बॉन्ड है, इज इट ओके? जब आपको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस कराया गया था तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में भी, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस करा दिया है, हाँ करा दिया है ना मैंने, ठीक है? तो उसमें ऑर्गेनो जिंक जो है, लास्ट में हमने ऑर्गेनोमेटालिक की बात की थी। सुन लीजिए आप, ऐसे ही ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड्स, Who are these organocadmium compounds? जैसे R2CD, डाई एल्काइल कैडमियम, इस कैटेगरी के कंपाउंड जो है ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड कहलाते हैं। बहुत रेयरली जो है ये भी हो गए, जैसे एल्काइल सोडियम, एल्काइल लिथियम, ठीक है? और लास्ट में आते हैं हमारे ग्रिगनार्ड रिएजेंट,
जिनका जनरल फार्मूला है आर एम जी एक्स, आर कैन बी एनी एल्काइल ग्रुप, एनी अराइल ग्रुप, ठीक है, और एक्स कैन बी एनी हैलोजन। इज इट ओके? सो जो आज का हमारा टॉपिक है वो इसी पे बेस्ड, ग्रिगनार्ड रिएजेंट्स पे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सो अभी ऑफलाइन क्लासेस का भी टाइम आने वाला है, ठीक है। सो आप अपना अभी तो आप कल से जो है अपना इंटरेस्ट बता सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन भी क्लासेस रहेंगी, ऑफलाइन भी रहेंगी, ठीक है। सो 15 से हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस, ठीक है। ओके, अच्छा सुनिए बाप, सो द थिंग, यहां पर ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ग्रिगनार्ड रिएजेंट पहली बात हमारे लिए इतनी अहमियत रखता क्यों, आप समझ दें बात, ग्रिगनार्ड रिएजेंट इतनी अहमियत रखता क्यों। दरअसल जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट है वो जब रिएक्ट करेगा तो हमें कार्बन आयन देगा एंड प्लस MgX देगा। मैं ऐसे सुपरफिशियली बात कर रहा हूं, वो जो है हमें कार्बन आयन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि आपने देखा होगा हमने अभी तक जितनी रिएक्शंस की हैं उनमें कार्बोकैटायन का यूज खूब हुआ है, है ना, कार्बोकैटायन का यूज जो है खूब हुआ है, लेकिन कार्बन आयन जो है नहीं हो। तो ऐसे में ये पहला रिएजेंट है जो कि कार्बन आयन जो है दे रहा है। इज इट ओके? चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। यहां पर सबसे पहली बात है ग्रिगनार्ड रिएजेंट का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हम सिर्फ एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन यहां पर करेंगे। हम करते क्या हैं? दरअसल जो एल्काइल हैलाइड होता है, एल्काइल हैलाइड को हम जो है मैग्नीशियम के साथ रिफ्लक्स करते हैं। इन ड्राई ईथर में सब कुछ बताता हूं आपको, फॉर approximately 6 to 8 hours and we get the Grignard reagent RMgX। बात यह है, what is this refluxing? ये refluxing आखिर होता क्या है? तो आप समझे, होता क्या है कि हम लोग जैसे ये एक round bottom flask है, ऐसे यहां पर हम जो है एल्काइल हैलाइड डाल देते हैं, साथ में मैग्नीशियम डाल देते हैं, और जो सॉल्वेंट होता है वो ईथर है। ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है लगभग अप्रोक्सीमेटली 70 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, ठीक है, 70 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको बड़े स्लो हीट करते हैं, क्योंकि 70 डिग्री पे ही बॉइल कर जाएगा ये, यहां पर कंडेंसर लगाओ, ये उसका इनलेट है, ये आउटलेट है, आपको कंडेंसर का पता है कि वो लो टेम्परेचर कर देगा, यहां पे ठंडा पानी क्रॉस कराते, कंसेंट्रिक ट्यूब है ये। अब क्या होता है, जैसे ही आप हीट करते हो
तो ये ईथर के वेपर्स बनेंगे 70 डिग्री सेल्सियस पे, ये बॉइल करना स्टार्ट कर जाएगा, इसके वेपर्स बनेंगे, और जब वो वेपर्स ऊपर जाएंगे तो यहां पर ठंडे होके वापिस आ जाएंगे नीचे। तो कोई भी चीज बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि ईथर ये अकेला इसमें जो वोलेटाइल है, कोई भी चीज बाहर नहीं निकल पाती। तो ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, और फिर यहां पर जो है कंडेंस हो जाएगा। इज इट ओके? तो ऐसे में अब जो कंडेंसेशन होगी यहां पर जो है, उससे यहां पर 70 डिग्री सेल्सियस पे धीरे धीरे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनना स्टार्ट हो जाएगा। आर एक्स और एमजी मिलके आर एमजी एक्स बनाएंगे, तो ब्लैक मास, ब्लैक टैडी मास जो है यहां पर इकट्ठा हो जाएगा, कोल टार की तरह जो है यहां पर ब्लैक मास इकट्ठा हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इज इट ओके? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ध्यान रखिएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैंने कहा कार्बेनाइन प्रोवाइड करता है, तो ऐसे में जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा वो बहुत रिएक्टिव होगा पानी के लिए, क्योंकि पानी के पास एच पॉजिटिव है, तो कार्बन आयन तो एच पॉजिटिव के साथ बहुत जल्दी बहुत फास्टली रिएक्ट करेगा। इज इट ओके? आप नोट कर लें जल्दी से, ठीक है, हम आगे बढ़े। अच्छा, अच्छा अब सुने आप, अब नेक्स्ट थिंग, ये हुई प्रिपरेशन की बात। अभी अभी बहुत कुछ इसमें जो है बहुत इंटरेस्टिंग रिएजेंट है ये। सबसे पहले आप एक चीज देखें, दैट इज, इससे पहले कि मैं कोई और बात स्टार्ट करूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में, मैं सबसे पहले आपको एक मैजिकल ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, मैंने करवाया था मैजिकल ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, मैंने पहले भी दिया है आपको, दिया है, सुहानी कह रही है दिया है, ठीक है, मैं फिर से लिखवा देता हूं, ठीक है, या केएस ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। व्हाट इज देयर, देखते जाए आप। अब सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स में से, मैं बिकॉज दिस ऑर्डर कैन वेरी, ठीक है, ऑर्डर वेरी हो सकता है, ठीक है, तो मैं अपने हिसाब से जो है वेरी हो सकता है, मतलब मैं अलग अलग एसिड्स ले सकता हूं, हो सकता है पहले ना लिए हूं, HClO4, H2SO4, H जैसे HI, HBr, HCl, ठीक है, हो सकता है ये ना लिए हूं, ठीक है, नो प्रॉब्लम विद दिस, आप जस्ट नोट कर ले अब, ठीक है। उसके बाद फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, HCN, फिनोल, वाटर, अल्कोहल, टर्मिनल अल्काइन,
अमोनिया, एंड उसके बाद यहां पर हम ले लेते हैं फिनाइल बेंजीन, ठीक है, एल्कीन, एंड देन एल्कीन, ठीक है, ये मैंने ऑर्डर लिख लिया। और सुने, आप ये भी देखें कि ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ जस्ट उल्टा आएगा कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी के अकॉर्डिंग, मैं पहले बता चुका हूं। तो कॉन्जुगेट बेस जो है कार्बेन आयन सबसे स्ट्रॉन्ग, दिस वन Yes. इनके कॉन्जुगेट बेसिस जो है ये ऑर्डर, क्या आपको बात समझ में आ गई कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी? ठीक है, आई होप ये इजी बात है, हमने पहले की हुई है सब लोगों ने। चलिए, कनिष ने भी हां कर दी, ओके। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप जैसे आप लोग क्लास लगाते हैं, जो स्टूडेंट्स अभी हमारी क्लासेस नहीं लगा रहे हैं वो मतलब कहां पढ़ रहे हैं? व्हाट दे आर डूइंग एट दिस मोमेंट? आपका फ्रेंड सर्कल भी होगा, क्योंकि अब ऑफलाइन का टाइम आ रहा है, ठीक है ना? तो क्योंकि जब हम कॉल करते हैं बोलते हैं कि वी आर वेटिंग फॉर ऑफलाइन, कैन यू टेल मी आपके फ्रेंड्स कहां पे पढ़ रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग, किस पोर्टल पे पढ़ते हैं? और यू डोंट हैव एनी कॉन्टेक्ट विद देम? ओके, ठीक है, कुछ सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कुछ हमारे ही यूट्यूब को देख लेते हैं, ठीक है, ऑल दिस। चलिए, सो हम 15 से तो स्टार्ट कर ही रहे हैं, ठीक है, तो 15 से आपको बुलाना स्टार्ट करेंगे, आपको मैसेज दे दूंगा मैं, 15 को ना हुआ 20 से पहले आपका स्टार्ट हो जाएगा, यू विल बी गेटिंग द इंफॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस जो है आनी है, हाउ द थिंग्स, हम नहीं चाहते कि जल्दबाजी करें बुलाने में, बहुत जल्दी जो है, ठीक है,
मतलब पहले देखेंगे, ठीक है, उसके बाद जो है, नहीं उसमें सबका आना कंपलसरी नहीं है, ठीक है, सबका आना कंपलसरी नहीं है, जो आना चाहते हैं उनका आना कंपलसरी है, ठीक है, ओके। ओके अच्छा, अब ये सारी बात, अच्छा मैं एक बात बताना भूल गया, अब सुन लिए, सुन, हाँ कोई क्वेश्चन पूछ रहा है पूछ लीजिए पहले। अच्छा चलिए, अब आप एक बात देखिए, एक बात आप ध्यान दीजिएगा यहां पर कि जब भी एसिड बेस कोई रिएक्शन होती है, जब भी कोई एसिड बेस रिएक्शन होती है, जैसे मैं एक रिएक्शन लिखूं NaOH प्लस HCl गिविंग यू NaCl प्लस वाटर, क्या लगता है ये रिएक्शन होती होगी कि नहीं होती है? इज दिस रिएक्शन पॉसिबल और नॉट? बिल्कुल पॉसिबल है, सही बात है, ठीक है, लेकिन बात यह है कि यह रिएक्शन पॉसिबल क्यों नहीं है? NaCl प्लस H2O गिविंग यू NaOH प्लस HCl, आप जानते हैं कि यह पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो ऐसा क्या है जो कि इस रिएक्शन को नहीं होने देता है ना? पहली बात आपको यह देखनी है कि ये जो NaOH है, OH यहां पे नेगेटिव है, NaCl के साथ Cl नेगेटिव लगा हुआ है, आप जानते हैं कि OH नेगेटिव इज स्ट्रॉन्गर बेस देन Cl नेगेटिव, वीकर बेस मिल रहा है आपको, आप देखो ना OH नेगेटिव Cl नेगेटिव से स्ट्रॉन्गर बेस है, तो पहली बात तो यह है कि एक स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस मिलना चाहिए, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, HCl और वाटर में देखें, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये एक वीक एसिड, सही है बात, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड मिल रहा है, बिल्कुल इजी, ठीक है। तो अब मेरा कुछ कॉन्क्लूजन समझिएगा कि कोई बेस जो है, जब कोई दो कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करते हैं, तो जो बेस होता है वो वीक बनना चाहिए, है ना? और आप सुनिए, आप देख रहे हैं यहां पे कार्बन आयन हमने सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है बेसिस में, सही बात। तो स्ट्रॉन्ग बेस से वीक मतलब जब भी रिएक्शन होगी इससे, तो ये बाकी सारे कोई भी बन सकते हैं रिएक्शन के दौरान, सही बोला कि नहीं भाई? जब हमने कहा कि एक स्ट्रॉन्ग बेस से एक वीक बेस बनना चाहिए, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव का, तो कार्बन आयन से तो कोई भी बन सकता है ना, इज इट ओके? तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन आयन के साथ तो ये जितने भी बेसिस हैं इनके कॉन्जुगेट एसिड रिएक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब इनके कॉन्जुगेट एसिड रिएक्ट करेंगे, जैसे Cl नेगेटिव का कॉन्जुगेट एसिड है HCl, तो HCl है ना, तो इसका मतलब इन सभी के कॉन्जुगेट एसिड जो हमारे कार्बन आयन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, बोलो सही बोला कि नहीं?
ठीक है, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया समझ रहे हैं आप, ठीक है, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इस लॉजिक को मैं यूज करूंगा अब आपको एक बात समझाने के लिए, आप मेरी बात को समझते जाइएगा। लेकिन मैं कुछ यहां पर आपको थोड़े बहुत ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लिखवा दूं, देखिए जहां तक ग्रिगनार्ड की रिएक्टिविटी का सवाल है, RMGI इज सबसे ज्यादा रिएक्टिव, देन RMGCl एंड देन RMGBr, ये सॉरी Br एंड देन RMGCl, सुनते जाइए। दूसरी बात, आप जानते हैं कि यहां पर जो हमारा ग्रिगनार्ड रिएजेंट है उसने बनाना क्या है, कार्बेनायन बनाना है, तो जिसका कार्बेनायन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा वो मोस्ट रिएक्टिव ग्रिगनार्ड रिएजेंट होगा। जैसे अगर हम R ग्रुप्स की बात करें तो R ग्रुप जो ग्रिगनार्ड में लगा होता है अगर वो 3 डिग्री कार्बेनायन है तो बढ़िया, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री एंड देन मिथाइल कार्बेनायन, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको जीओसी में यह समझा चुका हूं कि कार्बेनायन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर यही होता है, मैं 3 डिग्री में भी लिख दूं, जैसे मान लो CH3, ये कार्बेनायन मोस्ट रिएक्टिव है, मोस्ट अनस्टेबल है, क्योंकि प्लस आई के कारण नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, एंड देन फिर आ गया 2 डिग्री और फिर आ गया 1 डिग्री, थ्री डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, सही बात है ना। ये कार्बेनायन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, क्योंकि स्टेबिलिटी उल्टा है, sp हाइब्रिडाइज कार्बन पे नेगेटिव चार्ज मोस्ट स्टेबल होगा, sp हाइब्रिडाइज कार्बेनायन पे जो है मोस्ट स्टेबल होगा कार्बन, ठीक है। देन द थर्ड वन, मैं आपको बता दूं अभी जो है ये, क्योंकि जैसे ही ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि वीडियो लेक्चर्स फिर YouTube पे अपलोड नहीं होंगे, ठीक है, आपको ऑनलाइन ही क्लास लगानी पड़ेगी और उन्हीं के लिए ये एक्सेसिबल होगी जो कि जो है क्लास में आ रहे हैं या जो कि एनरोल्ड है प्रॉपर, इज इट ओके। अब ये रिकॉर्डिंग का सिस्टम जो है खत्म हो जाएगा, 10 डेज में हम इसको बंद कर देंगे, सीधे लाइव क्लास और ऑफलाइन क्लास, इज इट ओके। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। तो अब द थर्ड नेक्स्ट थिंग, जिनके साथ ग्रिगनार्ड रिएजेंट रिएक्ट करता है, सबसे पहली बात एसिडिक हाइड्रोजन के साथ मोस्ट रिएक्टिव होगा, क्योंकि मैंने कहा ग्रिगनार्ड रिएजेंट का कार्बेनायन बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और यह भी मैंने एक ब्रह्म वाक्य बोला था, मैंने कहा था कि ऑर्गेनिक में एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्टली होती, सही बोल रहा हूं, ठीक है, सुने तो अब यहां पर आप देखें एसिडिक हाइड्रोजन सबसे फास्टली, एंड देन यहां पर आ जाएगा एसिड हैलाइड्स एंड देन
जैसे एस्टर्स हो गए या एनहाइड्राइड्स हो गए, एंड देन एस्टर्स आ गए, ठीक है, उसके बाद हमारे एल्डिहाइड्स, फॉर्मल्डिहाइड, एंड देन जैसे जैसे एल्डिहाइड्स कार्बन पे एल्काइल ग्रुप बढ़ता जाएगा, रिएक्टिविटी कम होती जाएगी क्योंकि हिंड्रेंस आ जाएगी। तो ये मैं सारा क्लियर कर दूंगा आपको, आप नोट कर लें जस्ट। एंड देन एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन सबसे लीस्ट हो, इज इट ओके? ठीक है, आप इसको नोट कर लें, इस ऑर्डर को मैं आपको याद करा दूंगा, ठीक है, आप जस्ट अभी इसको नोट करें, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग दैट इज, अब यहां पर हमने बात करनी है सबसे पहली रिएक्शन की, दैट इज रिएक्शन विद एसिडिक हाइड्रोजन। अब आप देखते जाइएगा, बहुत लॉजिकल रिएक्शंस हैं ये, ठीक है, आप देखें, सबसे पहले मान लीजिए कोई ग्रिगनार्ड रिएजेंट है RMgX, और RMgX मैं कह रहा हूं, मैं R नेगेटिव है, MgX पॉजिटिव है, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं। जब हम इसको किसी एल्काइन के साथ ट्रीट करते हैं, जैसे मान लो ये ट्रीट किया, एक मिनट मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल कर देता हूं, मान लीजिए जैसे अमोनिया के साथ रिएक्ट किया भाई आपने, अब देखो रिएक्शन कैसे होगी, ये अमोनिया से H छीनेगा, पहली रिएक्शन पे ध्यान दीजिएगा, तो क्या बन जाएगा, RH बन जाएगा, RH मतलब एल्केन बन गई, एंड साथ में क्या बन गया, MgX, ठीक है, ऐसे मान लो MgX एंड NH2, और ये NH2 क्या है, NH2 इज नेगेटिव है ना, MgX पॉजिटिव है तो NH2 नेगेटिव लगा हुआ है उसके साथ, सही बात है। अब पहले हमने ये देखना है, जैसे NH2 नेगेटिव बनाना आप जानते हैं, R नेगेटिव और NH2 नेगेटिव में से R नेगेटिव स्ट्रॉन्ग बेस है, आप अगर मैजिकल ऑर्डर में देखें तो R नेगेटिव स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस बन रहा है NH2 नेगेटिव, तो ऑब्वियसली ये रिएक्शन फिजिबल है, सही बोला, इजीली फिजिबल, ठीक है, ओके। एक मिनट, अच्छा अब सुने, ऐसे ही अब आप ध्यान देते जाए मेरी बात पे, जैसे RMgX है, इसके साथ अगर हम किसी एल्काइन को ट्रीट करेंगे RCH, ऐसे R डैश ले लीजिए इसको, तो ये क्या होगा, अब अगेन यू विल गेट RH एंड प्लस MgX C ट्रिपल बॉन्ड R डैश, क्यों, क्योंकि आपने अभी पढ़ा एल्काइन वाला कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है एल्केन वाले कार्बन आयन से, आप देख ले एल्केन वाला कार्बन आयन नंबर वन पे था और एल्काइन वाला जो है इसके पास है फिनाइल के, है ना, तो वो स्टेबल है, इज इट ओके, समझ आ रही है मेरी बात, ठीक है, तो मतलब अनस्टेबल वाले से स्टेबल बनाते जाना, ठीक है। तो थर्ड वन, जैसे RMgX K
के साथ जो है, सुनते जाएं आप, जैसे वाटर की रिएक्शन करें तो क्या मिलेगा, RH एंड प्लस MgX OH। क्यों, OH नेगेटिव काफी वीक बेस है R नेगेटिव से, ये तो R नेगेटिव ही है ना, ठीक है, तो इसलिए OH नेगेटिव बन सकता है आराम से। नेक्स्ट थिंग, R MgX अगर D2O भी आप लोगे तो यू विल गेट RD एंड MgX OD। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, इज इट ओके? नेक्स्ट, सो ऑफलाइन क्लास के लिए आप आना स्टार्ट कर दो यार, जब भी टाइम टेबल होता है, जैसे आप देखते हो कि मेरी क्लास है बिकॉज आई एम इन जम्मू, आप ऑफलाइन क्लास के लिए सेंटर पे आ सकते हो, 11th के बच्चों ने स्टार्ट कर दिया है आना, आप 15 का भी वेट मत करो उसके लिए जो है, ठीक है। मॉर्निंग में भी क्लास होगी लेकिन फिलहाल अभी जो आपका ऑफलाइन का टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग मॉर्निंग में भी होगी क्लास, यू विल गेट द टाइम टेबल ऑफ मॉर्निंग। आप में से जितने लोग मॉर्निंग आना चाहते हैं आप राहुल जी या रोहिल जी से कंसल्ट कर लीजिए ताकि हम बैच बना सके 4 to 7:30, ठीक है। सेम चलेगा, प्राइम बैच भी वैसे ही बनेगा, इवनिंग के भी वैसे ही बनेंगे, बिल्कुल वही चीजें जैसे नॉर्मली चलती थी, ठीक है। अच्छा सुने अब मेरी बात, और यहां पर आर एम जी एक्स जो है, जैसे मान लीजिए HCN है तो HCN के साथ रिएक्ट करके RH प्लस MgXCN बनेगा, ठीक है। एंड देन सुनते जाओ बहुत, R MgX प्लस फॉर्मिक एसिड बनेगा RH, मतलब इवन एसिड भी, मतलब एसिड H पॉजिटिव दे रहा है MgX COH, ठीक है, कोई भी हो, ठीक है। G R MgX प्लस HCl RH प्लस MgXCl, इज इट ओके? ठीक है, आई होप नाउ यू आर गेटिंग द आइडिया, आपको लग गया आइडिया, ठीक है। अच्छा अभी 15 तारीख से हम लोग जो है इस सेंटर पर स्टार्ट कर रहे हैं त्रिकुटा नगर में, कोई 20 तारीख के आसपास जो है हम पलौड़ा सेंटर में भी क्लासेस अपनी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप दोनों सेंटर्स के लिए जो है एंट्री कर सकते हैं, अब देर करने वाली बात बिल्कुल नहीं, आप ये समझ जाएं, डोंट टेक इट कैजुअली, कैजुअली नहीं लेना है, ठीक है, सीरियसली लीजिए। आपके टाइम पर कोविड आया है, कईयों के कैरियर तबाह हो जाएंगे, ठीक है, ये रिलेक्टेंसी के चक्कर में, ठीक है, पैसा बचाने के चक्कर में, ठीक है ना, इन चक्रों में जो है कैरियर खराब हो जाने, ठीक है, ये टाइम नहीं आएगा दोबारा जो है। कई लोग सोचेंगे जी हम ऑनलाइन ही लगाते रहेंगे, कुछ नहीं होगा ऐसा, नो पर्सन विल बी देयर। जैसे ही ऑफलाइन थोड़ा सा और बढ़िया हो जाएगा, वी विल स्टॉप द ऑनलाइन कोर्सेस, ठीक है। हम लोग कंप्लीट ऑनलाइन के लिए नहीं, हम ऑफलाइन के एक्सपर्ट, ठीक है, तो उसी माहौल में जो है हमें पढ़ना है। मतलब अब हमारे पास जैसे जैसे आप फीडबैक दोगे, मान लीजिए कि हम ये भी कर सकते हैं कि
ट्रांसपोर्ट का कीर्तन अभी नहीं मैं कहूंगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में जिसको कहते हैं कि इन्फेक्शन के चांसेस हैं, तो वो रिस्क तो नहीं लेंगे अभी, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि ही नीड्स ट्रांसपोर्ट, ठीक है, तो हम जो है दो बच्चों को या तीन बच्चों को बिठा के ला सकते हैं मास्क पहना के, ठीक है ना, वैसे जो है अरेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कहोगे तो वी हैव वैंस, ठीक है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन गेट रेडी फॉर दिस, इसमें डिले मत कीजिएगा, ठीक है। मतलब वी विल कीप यू सेफ, पहली बात सेफ्टी तो हम ही, अभी तो पांच से ज्यादा बच्चे हम ही नहीं बिठाएंगे सेंटर पे, एक क्लास में दूर दूर ही बिठाएंगे, ठीक है। और जब ऑफलाइन क्लास जब हम लेंगे, ठीक है, तो पहले कोविड रिपोर्ट भी देखेंगे कि हाउ दैट इज, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग प्रिकॉशन लेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। बट हाँ, अगर आपको डर है, जिसको कहते हैं अगर डर है, इफ यू आर अफ्रेड ऑफ कोविड, सेफ रहिए, घर में रहिए, ऑनलाइन ही लगाइए। लेकिन अगर आप घूमते हैं मार्केट में, मतलब इधर शॉपिंग करते हैं उधर शॉपिंग करते हैं, ठीक है, और जैसे ही मान लो क्लासरूम की बारी आती है तो आपको कोविड का डर लग जाता है, तब तो बहाना है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आप घर में ही रह रहे हैं, बिल्कुल कोविड, जिसको कहते हैं कि आप प्रिकॉशंस ले रहे हैं, बिल्कुल लीजिए, तब आप घर पे ही रहें, बिकॉज सेफ्टी सबसे पहले, ठीक है। बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन, मैंने कहा ना कि ये मेंटालिटी की बात है अब कि हाउ वी आर गोइंग टू टेक इट, ठीक है। लेकिन अगर आप और जगह प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं तो कैरियर खराब मत कीजिए, क्योंकि इसने जो कोविड का टाइम है उसने कंपटीशन आधा तो ऐसे ही खत्म कर दिया है। मतलब कई लोग जो लिमिटेड, मतलब पहले तो होता था ना, जो पढ़ेंगे दो साल तक वो जो है सक्सीड कर जाते थे, ठीक है, अच्छा पढ़ते थे, अब आधा कंपटीशन तो इसी ने खत्म कर दिया। कई बेचारे अच्छे स्टूडेंट्स हैं लेकिन वो कोविड में ड्विंडल कर गए, तो ऑब्वियस सी बात है अब मेरिट लो जाएगी। लेकिन अगर मान लो कई और बच्चे जो कि एवरेज पढ़ते हैं, अगर वो मान लो ऑफलाइन कोर्स में नहीं आएंगे तो कंप्लीट वो भी नहीं कर पाएंगे। तो जो करेगा वो कंपटीशन के कैपेबल हो जाएगा। वी हैव अभी भी जो अभी अपना जो जेई मेंस आना है, ठीक है ना, हमारे पास है, हाफ ऑफ अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, हम कोर्स आराम से ओवर कर सकते, ठीक है। और सेकंड इस तक तो हम जो है जो पुराना हमने नहीं किया था उसको भी कर लेंगे, लेकिन उसके लिए मैंने कहा वी विल गो फॉर स्पेशल कोर्स, ठीक है। वो फिर हमें 5 मंथ्स का कोर्स, कंप्लीट कोर्स बनाना है, ठीक है, उसमें पूरी ऑफलाइन टीचिंग करें, ठीक है। इस तरीके से चलना पड़ेगा। टॉक टू योर पेरेंट्स, कम टू द सेंटर, 11 से 1 के बीच में मैं भी सेंटर पे होता हूं, आप आके बात कर सकते हैं, ठीक है, और स्टार्ट कीजिए, इज इट ओके। चलिए, तो ये थी पहली रिएक्शन जो है मैंने कहा, जहां पे कि एल्केन की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, सब में आरएच बन रहा है। नेक्स्ट, जस्ट एक मिनट, अब बात को आगे बढ़ाता हूं मैं, अगली रिएक्शन को देखते हैं, ठीक है ना। अब जबरदस्त रिएक्शंस आने वाली, ठीक है। मैं सबसे पहली रिएक्शन, सॉरी, बस एक और रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड्स। आरएक्स के साथ जितनी भी रिएक्शंस होंगी वो SN2 रिएक्शंस होंगी। मतलब कैसे होगी सुन ले, मतलब आरएक्स की जगह
मैं इसको r डैश x ले लेता हूं ताकि डिफरेंशिएट हो जाए, जैसे r mg x है, प्लीज बोर्ड पे ध्यान दें, और r x है, ये एल्काइल हैलाइड है, ये ग्रिगनार रिएजेंट है, इट इज एल्काइल हैलाइड। तो हमने SN2 रिएक्शंस पढ़ी हैं, आप जानते हो कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट जो वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। एक बार सो SN2 अटैक होगा, ये बाहर निकला, यू विल गेट R एंड R डैश एंड यू विल गेट MgX2, सही बात है जी, बोलो सही बात, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो है ही हमारा कार्बन आयन जो है, ठीक है। तो अब एक बात का ध्यान रखिए, R डैश में देयर विल बी इन्वर्जन, जबकि ये रिटेंशन रहेगी। रीजन बीइंग हमारा ये तो न्यूक्लियोफाइल है ना, न्यूक्लियोफाइल की इन्वर्जन नहीं होती है ना, इज इट ओके। चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल से देखते हैं, मैं आपको एग्जांपल भी दे रहा हूं, देखो ये हमने ले लिया एंड MgCl एंड प्लस, अब हमने ले लिया Cl मिथाइल ड्यूटीरियम एंड हाइड्रोजन, तो ये न्यूक्लियोफाइल है और ये सबस्ट्रेट। तो ऐसे में SN2 अटैक तो होगा, ठीक है भाई, ये कार्बन आयन बनेगा, इसका अटैक इधर होगा, ठीक है, इट विल गो आउट। लेकिन अब हम इस इन्वर्जन को कैसे दिखाएंगे, आप प्लीज ध्यान दीजिए कैसे दिखाएंगे। देखो इथाइल फिनाइल मिथाइल, अब यहां पे इन्वर्जन हुई है, लेकिन इन्वर्जन को अब कैसे दिखाया जाएगा, देखो, क्योंकि मैंने कहा था इन्वर्जन जब भी करनी है, शॉर्टकट याद रखो, मैंने कहा था लिविंग ग्रुप को, जो लिविंग ग्रुप है ठीक है ना, उसको एक्सचेंज कर दो, या आप सिर्फ ऑड एक्सचेंज कर दो तो इन्वर्जन हो जाएगी। ऑड एक्सचेंज में मैंने क्या किया, मैंने हाइड्रोजन और मिथाइल को एक्सचेंज कर दिया, हाइड्रोजन इधर मिथाइल इधर, बस डी। तो आप देखेंगे अगर इसकी कॉन्फिगरेशन, जैसे अभी मैं प्रूव कर दूं अपनी बात को, देखो प्रायोरिटी ऑर्डर देते हैं, एक दो तीन, ये चार नंबर है, चार नंबर को भूल जाओ, तो एक दो तीन को मिलाते हैं तो क्या हो गया, इट इज क्लॉकवाइज, घड़ी ऐसे चलती है। तो आर बन गया, यहां पे आर है, अब यहां पे प्रायोरिटीज देते हैं, ठीक है। अब अगर आप यहां पर प्रायोरिटीज दोगे सो यू विल सी, एक नंबर इसको आएगा, दो नंबर इसको आएगा, तीन इसको आएगा, चार इसको आएगा। अगर आप एक्सपर्ट हैं आप देख लोगे कि आर से एस हो गया, लेकिन मैं इवन एक्सचेंज देके बता देता हूं, दो ऊपर चार नीचे, एक इधर तीन इधर, ठीक है। अब एक दो तीन को मिलाओ तो क्या हो गया, एस हो गया, तो आर से एस कॉन्फिगरेशन, सही बात है। लेकिन इसकी जो होगी वही रहेगी, देख लेते प्रूव कर लेते हैं। अब यहां पर नंबर वन इसको, दो इसको, तीन इसको, चार इसको, ठीक है। चलिए प्रूफ वो आप देख लीजिए, मतलब इट्स इजी, इजी मैं बना भी नहीं रहा हूं, रीजन बीइंग क्योंकि इसी, ये सारे ग्रुप सेम है तो नया ग्रुप उसी तरफ लगा जाते हैं MgCl, तो इट इज रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, ठीक है। चलिए क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, अच्छा। और यहां पर एक बात ध्यान रखिए, जैसे ये हमारा ग्रिगना, ये क्या है, यहां पर MgBr बना, और मान लो जैसे कोई RBr है तो यहां पर रिएक्शन हो सकती है ये आराम से। रीजन बीइंग
मैंने कहा ना ब्रिज एड कार्बन कार्बोकेटायन नहीं बनता, लेकिन ग्रिगनार्ड रिएजेंट तो कार्बन आयन बनाता है ना, वो तो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल ब्रिज एड वाला हो सकता है, आरबीआर पे अटैक हो जाएगा। अच्छा इज इट ओके, नोट करते जाइए जल्दी जल्दी। अच्छा और सुने और देखें, अगर ग्रिगनार्ड रिएजेंट मान लीजिए जैसे ये, पहली बात बीआर एमजी के साथ रिफ्लक्स करोगे यू विल गेट एमजीबीआर, और इसको अगर आप किसी आर बीआर के साथ ट्रीट करोगे यू विल गेट दिस थिंग ऑल्सो, आपको आर ग्रुप यहां पे लगा हुआ मिल जाएगा प्लस एमजी बीआर टू। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए सो आई होप अब आप थोड़े से सीरियस हो गए है ना क्लास लगाने के लिए, जो है जैसे मैं देख रहा हूं, ठीक है ना, अब आपको थोड़ा सा मजा आने लग गया, ठीक है, क्लास में। चलिए आज मैं इतना ही करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है, और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ग्रिगनार्ड रिएजेंट आधा बचता है, आधा अगली क्लास में करवाऊंगा, आप सेंटर पे आके इसका पैकेज जो है ले जा सकते हैं परसों से, कल भी आ सकते हैं, मैं प्रिंट करवा दूंगा ऑन द स्पॉट, यू कैन कलेक्ट इट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट का अलग पैकेज, इज इट ओके? ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।